ये देखो, मेरा सारा धनिया उगा नहीं है अभी, लेकिन फिर भी ज्यादातर उग गया। कहते हैं इस मौसम में ना धनिया उगता नहीं है। बहुत सारे इधर उधर से लोगों ने मेरे को बोला भी था कि नहीं उगेगा नहीं उगेगा, लेकिन अब मेरे को मेरी नजर ना लग जाए इसलिए इसकी नजर उतारनी पड़ेगी। ये उग रहा है, काफी हद तक उग गया, और भी निकल रहे हैं बीज। ये देखो दिख नहीं रहे लेकिन निकल रहे हैं, देखो। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के थोड़ी बहुत भी जमीन है तो ठीक है, मतलब खाली कच्ची, या फिर गमलों में धनिया के बीज डाल देना, धनिया उग जाएगा। और गर्मियों में, मतलब इसी मौसम से आप लोग भी धनिया की पत्ती सब्जी में डाल डाल के एंजॉय करना। देखो सारा हो गया, अब तो और निकलेगा अभी तो ये। और पालक की पत्ती दिखाऊं, ये देखो पालक की पत्तियां निकलनी शुरू होगी, अभी तो बढ़ेंगी। छोटी है, ग्वार की भी एक एक पत्ती एक्स्ट्रा आ गई, करेला भी बढ़ रहा है। मैं आप लोगों को इन सब की ग्रोथ दिखाती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और मैं एक बार चप्पल पहन लूँ, मुझे कुछ और भी दिखाना है आपको। ये कट्टा धुला नहीं, इसमें गेहूँ पिस के आए थे, आटा लेके आए थे, तो मैंने इसमें टमाटर के बीज डाले थे जो कि उगने शुरू हो गए। दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो देखो ये रहा टमाटर के मैंने डाले थे ना, ये देखो ये उग गए। टमाटर को ऐसे पिचूर के डाला था 5-7 दिन पहले, तो पौधे तैयार हो रही है, पौध हो जाएगी ना, फिर उसके बाद में इन टमाटरों को यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। घर में ही बना लेती हूँ मैं पौधे ज़्यादातर। ये करेले भी ऐसे ही डाले हुए हैं, बीज लाल करेला आ गया था उसको डाल दिया था, सारे उग गए, वहाँ तक उगे हुए हैं आगे तक। तो जी जय राम जी की, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। और मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ में सारी बातें आज ही डिटेल में शेयर कर दूं। तो आप सभी को पता है पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग घर भी गए थे ना, तो कल रात को पापा जी का फ़ोन आया था, तभी मेरे को पता चला। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में, फिर पहले भी बातें तो चल रही थी लेकिन कन्फर्म नहीं था, तो कन्फर्म नहीं था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में जब तक कन्फर्म नहीं होता ये सारी बात शेयर नहीं करूँगी। तो अब मैं आपको बताऊं तो हमारी पापा जी ने इससे बात जो हुई है उसमें, पहले पहले की बताती हूँ। पहले जो चल रहा था कि हमारी एक दुकान है जो कि अच्छी खासी सिटी में है, और वहाँ पे वो दुकान जो है ना, वो पापा जी ने आज से 15 से 20 साल पहले ली हुई है, मतलब आज की नहीं थी, वो बहुत पुरानी दुकान है, और किसी के साथ पार्टनरशिप में ली थी। तो काफ़ी टाइम से वहाँ पे वो दुकान चल रही थी, हमारी यहाँ से कोई जाता भी नहीं है चेक करने के लिए। जैसे ये घर नहीं पड़ा हुआ था, जैसे 15 साल से ये घर बंद पड़ा था, यहाँ पे कोई नहीं आता था, हम लोग आके रहने लगे थे, वैसे ही वो दुकान है वहाँ पे। उसका रेंट आता है, बस रेंट के हिसाब से वो होता है ना कि पार्टनरशिप में ली हुई है, जो रेंट आता है उसमें से आधा जिनकी है उनको मिल जाता है, आधा हम लोग रखते थे। अब बात ये हुई कि अब कोई केयर टेकर नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, ऊपर से जो ये सारी चीज़ें आई ना, जो आप लोगों ने देखा पिछले दिनों जो भी परेशानी आई हम लोगों के साथ में, तो पापा जी ने मेरे को बोला था वहाँ पे, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मेरी मेरी फैमिली के साथ में अच्छी खासी बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमें ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन बस वहाँ पे शर्मा जी का ये रहता है कि अपने आप से सब चीज़ हैंडल करने की सोचते हैं, फैमिली पर प्रेशर नहीं डालते। मेरा जो होता है कि जब तक मैं, मेरी ये सोच है कि जब तक बड़े घर में हैं, अगर हम किसी परेशानी में हैं तो बड़ों के सामने जाके बैठ जाओ, परेशानी हल है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ही। तो वो सारी चीज़ें, हाँ हालांकि ये होता है कि बड़े डांटते हैं, बहुत गुस्सा भी करते हैं, और इतना गुस्सा करते हैं कि उस टाइम पे ये सोचते हैं कि बस चुपचाप बैठे रहोगे तो ही कंट्रोल में आएगा। वही सिचुएशन आप लोगों ने देखा था, हमारे साथ भी हुई थी, लेकिन बस ये था कि वहीं पे मैं मेरी परेशानी छोड़ के आ गई थी। मुझे लगा था कि अब कुछ ना कुछ यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा, वैसे मैंने सोचा था वो अलग तरीके से सोचा था, मुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो मैंने ये सोचा था कि देखो यहाँ पे मेरे को कोई, कई लोग लालची भी बता सकते हैं, लेकिन लालची नहीं होता, माँ बाप का जो भी है वो बच्चों का है, और बच्चों का जो है वो माँ बाप का है, ठीक है। हम भी आज जो कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हर कोई ऐसे ही करता है। तो जो पापा जी रिटायरमेंट आए थे ना, उस टाइम पे जो वो होता है ना कि एक फिक्स डिपो मिलता है अमाउंट, तो उनका वो था, उन्होंने अपना फिक्स करवा रखा था कि ठीक है बाद में मैं बच्चों को अपने हिसाब से दे दूंगा। तो मुझे ये था, पापा जी कई बार बोलते थे कि, इनको भी बोलते थे कि भाई वो अपना कर लो सारे बैठ के,
लेकिन वो हुई नहीं थी। मुझे था कि हाँ वहां से कुछ हेल्प हो सकती है, मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे बोलती हूँ ये बात, मुझे लग रहा था कि वहां से कुछ हेल्प हो सकती है। लेकिन जो कल रात को बात हुई उसमें पापा जी ने ये बोला कि मैं वो दुकान जो है उसके वो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करवा रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, और जैसे शायद तक शर्मा जी को भी जाना पड़ सकता है, लेकिन इनकी ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन बोल रहे थे पापा जी की, जैसे भैया की दोनों की जॉब रहती है, तो बोले कि एक बार तू मेरे साथ चल लेना अगर कहीं आना जाना पड़े तो, या फिर पापा जी आएंगे, जैसे पापा जी को लेके जाना पड़ेगा इनको, तो इस तरीके से वो दुकान सेल करेंगे। और अब कंफर्म हुआ है ना, तब भी मैंने आप लोगों को बताया, नहीं तो पहले मेरा मन नहीं था कि मैं जब तक सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा दिमाग में था कि हाँ वहाँ से कुछ हो सकता है जो फिक्स अमाउंट है। लेकिन ये दुकान सेल करने वाली बात जब पता चली ना, जब मुझे लगा कि हाँ अब तो बता देना चाहिए, पापा जी ने बोला कि उसका जो भी है अमाउंट उसमें आराम से तुम्हारा सारा जो भी टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और मेन उनका कारण क्या था फ़ोन करने का वो भी बताऊं तो, वो कह रहे थे कि घर वो देख के गए थे ना उस टाइम पे आए थे, जब वो ये देख के गए थे कि इधर से बारिश बारिश का पानी जाएगा, ऊपर प्रॉपर तरीके से सही नहीं करवाया, तो उन्होंने यही कही कि घर का जो काम है ना, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, घर का काम करवाओ। फिर हमने बोला ना कि पापा जी ऐसे ऐसे अभी सिचुएशन सही नहीं है, थोड़ा सा वो कर्ज वगैरह उतारते हैं फिर घर का देखते हैं। तो बोले वो मेरी परेशानी है, मैं अपने आप देखूंगा, तुम लोग घर का काम करवाओ, घर का जो तुम अपने हिसाब से जो करवाना है घर का करवाओ, वो चीज़ छोड़ दो, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा। फिर इनकी बात हुई जब इनको उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं, और वो दुकान सेल करके ना, वो करना तो था ही आज, नहीं तो बाद में करना था, क्योंकि उसको देखने वाला कोई संभालने वाला नहीं है, और जब कोई संभालने वाला नहीं है, वहाँ जाने वाला नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा इतने दिन चला के, उसको कर देते हैं। और अब फिलहाल वैल्यू भी उसकी ठीक निकल रही है, तो ये सोच के वो सब कर रहे हैं वो, और इस परेशानी से पीछा छूटेगा। और मेरा दिमाग जो है वो काफ़ी, हालांकि व्लॉग मेरा बना हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को, जो मेरी हितैषी हैं, जो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जो कि मेरी फैमिली के जैसे हैं, उन लोगों को टेंशन है, तो मैं उन लोगों को ये बात बताऊं कि हाँ अब कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। ठीक है, परिवार वाले जो हैं, यही तो होती है परिवार की ताकत, यही होती है फैमिली। और काफ़ी कमेंट्स आपके भी आते हैं कि आप सब जो है ना, कोई भी परेशानी हो उसमें सारे एक साथ खड़े रहते हो, तो भाई यही तो होता है परिवार। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि बिना कहे उन्होंने समझ लिया, मैंने उनको मुंह से नहीं बोला था, आज मैं कैमरे पे ज़रूर बोल रही हूँ सारी चीज़ें, उन्होंने इतना कहा था कि मैं अपने आप देखूंगा और मैं बनाता हूँ प्रॉपर्टी, तुम खराब मत करो, उसको सेल मत करो। और अब उन्होंने ये जो दुकान थी इसका भी उन्होंने सेल करने का इसलिए सोचा क्योंकि ये बहुत दूर है और यहाँ अभी रखने का कोई मतलब नहीं है, आज से बहुत पहले की खरीदी हुई, कम अमाउंट में खरीदी हुई थी, उस टाइम तो वैसे वो ज़्यादा ही होते थे। ठीक है, तुझे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, सारा मैटर मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया, क्योंकि फिर बाद में फिर आप लोग बोलते हो, उससे पहले मैं जो बात है वो आप लोगों को क्लियर बताऊं ताकि बाद में कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा और बाबा श्याम सबका भला करे। तभी तो मैं कहती हूँ बाबा श्याम अपने आप सारी टेंशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।